हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है मानसिंह राठौर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अभी लोगों की पसंद बना हुआ है क्योंकि इसमें रिवार्ड पॉइंट, डिस्काउंट और कैशबैक जैसी काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। लेकिन अगर इसी क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग ना किया जाए तो यह आपके लिए सिरदर्द भी बन सकता है। अब इसका आप सही उपयोग किस तरीके से करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो जैसे कि अभी मेरे पास ये दो कार्ड हैं, एक मेरा डेबिट कार्ड है, दूसरा मेरा क्रेडिट कार्ड है। अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों सेम बैंक के हों, ये डिफरेंट बैंक के भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दोनों कार्ड सेम बैंक के भी ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये डेबिट कार्ड है तो मैंने अपना बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे बैंक ने कार्ड दिया हुआ है। और ये ऑप्शनल रहता है, ज़रूरी नहीं है कि मिले, मैंने लिया हुआ है तो ये मेरी सुविधा के लिए है। मुझे बैंक में ना जाना पड़े, मैंने जो भी सेविंग का पैसा इस अकाउंट में डाला हुआ है मैं कहीं पर उसको शॉपिंग करने में खर्च कर सकता हूँ, कार्ड को स्वैप कर सकता हूँ या फिर किसी को इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या फिर इस पर मैं UPI भी रन कर सकता हूँ। तो यह मेरे काम को आसान बना देता है। लेकिन इसके द्वारा मैं उतना ही पैसा शॉपिंग में खर्च कर सकता हूँ जितना पैसा मैंने इसमें डाला हुआ है। यानी कि अगर इसमें 10,000 है तो मैं 10,000 का ही लेन देन कर सकता हूँ, किसी को भेजूँ या फिर शॉपिंग करूँ या फिर XYZ कोई भी काम करूँ। यह एक तरीके का बचत खाता है, वहीं पर ये उधारी खाता है। ये क्रेडिट कार्ड है तो इसका मैं यूज करता हूँ अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं किसी दोस्त वगैरह से लेना नहीं चाहता, तो मुझे इस अकाउंट के थ्रू एक कार्ड दिया गया है कि आपको जब भी पैसा चाहिए, आपका बैंक में उधारी खाता खुल गया है, अब आपको पैसा चाहिए तो आप इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ATM कार्ड में भी जाके लगा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेज लगते हैं तो वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और या फिर आप इस पर भी एप्लीकेशन के थ्रू किसी को भी पैसा भेज सकते हैं या फिर उस पैसे को निकाल सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस कार्ड को बनवाते हैं तब बैंक के द्वारा आपकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि आप इस कार्ड के थ्रू इतना पैसा उधार ले सकते हैं। बैंक को लगता है कि ये पर्सन हमारे इतने पैसे उधार लेगा और उतने रिटर्न कर सकता है, इतने पैसे कमाता है, या फिर पिछली हिस्ट्री चेक की जाती है कि आपने पहले जो उधार लिया हुआ है वो आपने वापस कर दिया या फिर नहीं कर दिया है। तो इसके लिए सिविल स्कोर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको जानकारी भी देनी होती है। और कुछ ये अकाउंट ओपन करने से पहले भी बैंक ऑनलाइन चेक कर लेता है आपकी हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद बैंक आपका क्रेडिट अकाउंट खोल देता है, साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो आपकी जितनी लिमिट है उतना आपको पैसा खर्च करना है और वो पैसा आपको टाइम पीरियड में वापस भी कर देना है। तो दोस्तों, ये तो हुआ आपका दोनों में अंतर और आपने जान लिया कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, उस कमेंट का आपको जल्दी ही रिप्लाई मिल जाएगा। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लेने के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं, जो कि मैंने आपके लिए पीछे भी सवाल छोड़ा था कि आखिर आप क्रेडिट कार्ड का सही यूज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड है और इसकी मुझे लिमिट मिली हुई है 26,000 रुपये पर मंथ में यूज कर सकता हूँ बिना ब्याज के। अब दोस्तों, बैंक आपको बिना ब्याज के पैसा क्यों दे रही है? अगर आप इसका सही यूज करते हैं, मतलब कि अगर बैंक ने आपको एक महीने की लिमिट फिक्स की हुई है तो आप एक महीने में बैंक को पैसा लौटा के दे दें, तो आपने क्या है इसका बेनिफिट ले लिया कि आपको एक महीने का ब्याज भी नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर आपने टाइम पर पैसा नहीं लौटाया तो बैंक का प्रॉफिट है अब, क्योंकि बैंक आपसे एक हैवी चार्ज वसूल करेंगे। अब ये चार्ज आपको पेनल्टी के तौर पर भी लेंगे और आपने जितने दिन पैसा लेट किया हुआ है तो आपको उतने दिन का ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आप अपना क्रेडिट कार्ड किस तरीके से बनवा सकते हैं इसके बारे में तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं क्रेडिट कार्ड लेने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपको सैलरी मिलने में कुछ टाइम है, ठीक है, और आपको पैसा अभी इंस्टेंट चाहिए, जो आपको पहले सैलरी मिली थी वो ख़त्म हो गई, या फिर आप कहीं पर गए हो और आपके डेबिट कार्ड में भी पैसे नहीं हैं, अब आप किसी दोस्त वगैरह से नहीं लेना चाहते, तब भी आपका यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसके थ्रू आपको इंस्टेंट मनी मिलेगा,
ठीक है, ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको 30 दिन के लिए पैसा चाहिए या फिर आपको 45 दिन के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो जब आपने इस कार्ड को बनवाया होगा तब आपको बताया होगा कि आपका साइकिल इतने दिन का है, ठीक है, तो उस दिन में आप उतने दिन में आपको पैसा वापस करना होता है। तो उतने दिन के लिए क्रेडिट कार्ड आपको बिना ब्याज के पैसे प्रोवाइड करवाता है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं कुछ दिन के लिए तो वहाँ पर आपको ब्याज पे करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल रहा है, तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। अब बात करें तीसरे एडवांटेज की, तो यह आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव करेगा, तो इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप फ्यूचर में कभी भी और ज़्यादा बड़ा लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेज के चौथे पॉइंट के बारे में, तो वो है कि आपको यहाँ पर ऑफ़र, रिवार्ड पॉइंट और काफ़ी तरीके के डिस्काउंट मिलते हैं। अगर आप कोई भी फ़ोन मंगाते हैं या फिर कोई भी आप कैमरा लेना चाहते हैं या फिर आप कोई भी एक्सेसरीज अगर ख़रीदते हैं और वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो वहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज आपको डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपको कैशबैक मिलेगा, या फिर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये फिक्स रहता है। जैसे कि अगर आपने SBI का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो अगर आप भारत पेट्रोलियम से पेट्रोल डलवाते हैं तो वहाँ पर आपको 2% तक का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, अगर आप लिस्ट चेक करना चाहें तो गूगल पर विजिट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। अब दोस्तों किसी चीज़ के एडवांटेज ही तो हो नहीं सकते, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अगर इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो ये रहेगा कि अगर आप इनका एक दिन भी पेमेंट लेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 20 तारीख को देना है, अगर आप इनको 22 को देते हैं या फिर 21 को देते हैं या फिर 25 तक देते हैं, तो ये आपसे हाई पेनल्टी लेते हैं, साथ ही आपसे ब्याज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इतना ब्याज आपका एक महीने का भी ना हो, इतना ये 5 दिन का कर दें, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा लॉस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इनका टाइम पर पैसा वापस नहीं करते हैं तो इधर आपके सिविल स्कोर को भी डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इनका पैसा वापस करते ही नहीं हैं, आपके पास पैसा है ही नहीं, आपने एक साल, दो साल या फिर इतने दिन के लिए इनका पेमेंट होल्ड कर दिया, तो ये आपको डिफॉल्टर ही घोषित कर देते हैं। इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी कि आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर गया नीचे तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा, और अगर आप डिफॉल्टर घोषित हो गए तब भी आपको फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा। और उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि ऑफर है और मुझे घड़ी मेरे पास है, ठीक है, फिर भी ऑफर है, अच्छी घड़ी मिल रही है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। अब मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे एक महीने बाद इसमें पैसे डालने पड़ेंगे। आपने ऑफर देखा, आपने सोचा कि ये फिर मिला या फिर नहीं मिला, अभी ऑफर चल रहा है, चलो मैं क्रेडिट कार्ड को लगाता हूँ और मैं बाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा आपसे खर्चे हो जाते हैं जो कि आपको परेशान फिर बाद में करते हैं, आप इनकी फिर EMI या फिर आप इसका पैसा हमेशा चुकाते रहते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में और फुर्सत में बात करते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना है आप उसकी ब्रांच में जा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो डाउन नहीं होना चाहिए। अलग अलग बैंक का यहाँ पर अलग अलग रहता है कि कोई 7% चेक करती है, कोई 7.4, ठीक है, उतना आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। हाईएस्ट जो सबसे अच्छा माना जाता है तो वो 9 होता है, और अगर 7 से कम होता है, 7.4 से, ठीक है, या फिर 7 से, तो उससे नीचे अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। और सिविल स्कोर आपका तब बनता है जब आपने पहले से कोई चीज़ फाइनेंस करवाई हो। जैसे कि मैंने पहले बाइक फाइनेंस करवाई थी तो उसका मैंने टाइम टू टाइम किस्त पे की थी, तो मेरा जो सिविल स्कोर है तो वो अच्छा हो गया था। अगर मैं उसकी टाइम टू टाइम किस्त पे नहीं करता तो वही मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो जाता और फिर मुझे अब ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। और अगर आपने पहले से कोई चीज़ फाइनेंस नहीं ली हुई है, आपका सिविल स्कोर बना ही नहीं है, तो उसके लिए आपके बैंक की जो स्टेटमेंट है तो वो चेक की जाती है। अगर आपका बैंक में सही लेन देन है तो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं कि हाँ इनके पास पैसा आता जाता रहता है, ये अगर हमसे पैसा ले लेते हैं तो हमारा पैसा रिटर्न कर देंगे। इसके बाद भी और काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं तो उनको बैंक चेक करती है, उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाता है और आप मज़े लूट सकते हैं। ठीक है, मज़े तो नहीं लूट सकते, अगर आप मज़े के चक्कर में पड़ जाओगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, आपका सर दर्द बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको
पहले बताया, तो आपको सूझबूझ के साथ इसका यूज करना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका प्रोसेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं आपको बन कोड का लिंक दूंगा या फिर ग्रोमो का दूंगा, तो वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपको अपने नाम से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो वो आपको फैमिली में किसी दूसरे के नाम से बना लेना है, ठीक है, बन कोड या फिर ग्रोमो में अकाउंट। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर लिंक रेफर करना है और यहाँ पर आपको एक अलग से बेनिफिट मिल जाएगा जो कि अभी आप देख रहे हैं। आप जिसका भी क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है, उसको बना रहे हैं, उसका आप यहाँ से लिंक निकालें, उसको अपने व्हाट्सएप पर भेजें, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाएं, तो दिया हुआ कमीशन इतना आपको मिल जाएगा इस वाले अकाउंट में। मतलब कि अगर आप फादर का बना रहे हैं उसमें मिल जाएगा, अगर आप ब्रदर का बना रहे हैं उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसका यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रोमो और बनकोड, ठीक है, मैं दोनों का ही दे रहा हूँ, दोनों में ही अलग अलग ऑफर हैं, अलग अलग इसमें क्रेडिट कार्ड हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना सिविल स्कोर किस तरीके से सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको किसी को जानकारी देनी है तो उसको आप ये हमारा वीडियो शेयर भी कर सकती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।